तो अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि आज हम इंश्योरेंस क्लेम की चलन इंडिया पास करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस से संबंधित यानी कि इंश्योरेंस लेते समय हम क्या एंट्री पास करेंगे और इसका इंश्योरेंस का राइट ऑफ करेंगे तब क्या एंट्री पास करेंगे, इससे संबंधित आपको जानकारी लेना है तो मैंने पहले ही ये वीडियो बना के रेडी रखे हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। इंश्योरेंस से संबंधित प्ले लिस्ट है हमारी, उससे चेकआउट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर आपको ब्राउजर में चैनल को ओपन कर लेना। चैनल को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेकेंड रो पर इंश्योरेंस का टॉपिक। उसी के साथ अगर हमारा टेली फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो यहाँ पर इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऐड कर दी, वहाँ पे भी आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया गया कि इंश्योरेंस लेते समय हमें किस प्रकार एंट्री पास करनी चाहिए। और साथ में आज हम इंश्योरेंस क्लेम के बारे में जानेंगे, तो इंश्योरेंस क्लेम को हम क्यों टाइप से देखेंगे यानी कि एकदम शॉर्ट तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार से हम इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। विस्तार से तब देखेंगे जब हम अपने डेली जो फ्री कोर्स चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट चल रहा है तो प्रैक्टिस सेट सेकेंड आएगा, प्रैक्टिस सेट थर्ड आएगा, तो या तो सेकेंड में या फिर थर्ड में ये कवर हो जाएगा टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम का, वो भी डीपली कवर होगा यानी कि आपको सब चीजें बताई जाएगी कि भाई जब इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अगर स्टॉक का लॉस होता है कि भाई इंश्योरेंस में हम अपने स्टॉक को क्लेम करते हैं, स्टॉक का इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, वो भी मेमोरेंडम। मान लो कि हमने 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया और अगस्त में जाकर अपना कोई घटना दुर्घटना हैपन हो जाती है, कोई आग से माल जल के नष्ट हो जाता है, तब हमें क्या करना होगा, अप्रैल से लेके अगस्त तक का ट्रायल बैलेंस यानी कि जिस दिन चला था उस दिन तक का हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, उसमें शो करना होगा कि भाई कितना क्लोजिंग बैलेंस था, उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं, वो सब चीजें हम प्रैक्टिस सेट में जानेंगे। यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट नहीं जान सकते कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें यह शॉर्ट में ही देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कंपनी बना ली है ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, उसमें हम ये पास करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास ये एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। तो आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है, वो भी फुल इंश्योरेंड यानी कि आपका इंश्योरेंस क्या है, फुल्ली इंश्योरेंड है यानी कि टोटली जितना आपका लॉस होगा उसका आपको पूरा कवरेज मिलेगा। तो आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए आपके जो अकाउंट्स के गोल्डन रूल है वो दोनों में से एक तो रियल अकाउंट आपको काम आएगा, एक नॉमिनल अकाउंट, ये जो मोस्टली आपको वर्क आएंगे, तो ये आपको ध्यान में रहने चाहिए, हमेशा याद रहने चाहिए। नो रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता या फिर वस्तुगत खाता भी हम बोल सकते हैं, ये भी चीजें मैं आपको समझा रखी है अपने टेलीप्राइम के फ्री कोर्स में, तो वो भी आप देख सकते हो कि जो अपने अकाउंट्स के जो रूल है वो हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, किस प्रकार से एंट्री को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट वार्ड्स कम इन, क्रेडिट वार्स गोज आउट यानी कि आने वाली वस्तु को क्या करना होता है, हमें डेबिट करना होता है, जाने वाली वस्तु को हमें क्रेडिट करना होता है। इसी प्रकार नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस यानी कि आपको सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करना है, क्रेडिट द गेन एंड इनकम आपको क्रेडिट करना आय व लाभ को। ठीक है, इन दो आपको क्या करना है रूल से हमें यह पूरा मैटर है वो सोल्व हो जाएगा। तो पहले क्या दिखा रखा है, कंपनी परचेज गुड्स ऑफ ₹25,000 फ्रॉम एबीसी कंपनी ऑन क्रेडिट एंड गुड्स स्टोर इन लोकेशन। ठीक है, ए यानी कि लोकेशन यानी कि कोई गोडाउन गोदाम है अपना, वहां पे आपका ये जो माल है वो स्टोर है। तो सबसे पहले हमें एक वाउचर पास करेंगे, यहाँ पर वाउचर में आ जाना है और हमें ये वाला वाउचर है वो पास करना है। इसमें दे रखा है कि आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है एबीसी कंपनी से क्रेडिट में, तो आपको क्या करना है एबीसी कंपनी से क्रेडिट में परचेज करना है। तो यहाँ पर हम जनरल वाउचर में या फिर परचेज वाउचर में आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पर जनरल वाउचर में आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ये माल है वो परचेज कर लेना है, तो यहाँ पर मैं एलसी से परचेज की लेजर बना लूंगा, परचेज में आ जाएगा और इसको एक्सेप्ट करवा दूंगा, यहाँ पर मैं रख दूंगा, इसको भी एक्सेप्ट करवा दूंगा और मैंने ₹25,000 का माल है वो परचेज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी पार्टी जिस पार्टी से आपने खरीदा है, तो यहाँ पर एबीसी आपने हो जाएगी लेनदार, तो सेंड्री क्रेडिटर्स, तो इसको हमने सीआर कर दिया। तो
तो हमारा वो रूल लागू हो रहा है कि डेबिट वाट्स का मीन, यानी कि हमारे पास जो आएगा उसको डेबिट करना, तो हमारे पास परचेज यानी कि हमारे पास गुड्स आ रहा था उसको हमने डेबिट कर दिया परचेज के रूप में, एंड क्रेडिट वाट्स गोज आउट। तो यहाँ पर आपका पर्सनल अकाउंट होगा, एक पर्सनल अकाउंट शामिल होगा कि भाई देने वाले व्यक्ति को शेयर करो, तो यहाँ पर देने वाले व्यक्ति जो एबीसी कंपनी है उसको शेयर कर दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, ये आपका ऑब्जर है वो पास हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑब्जर आता है वो कौन सा आता है, कंपनी डन टोटल गुड्स इंश्योरेंस। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल जो कंप्लीट गुड्स है उसको इंश्योरेंस ली है। ठीक है, इंश्योरेंस कवर टोटल गुड्स एट प्रेजेंट टाइम स्टोर इन लोकेशन, यानी कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जितना स्टॉक होगा उस पे कंप्लीटली हमने क्या लिया है, इंश्योरेंस ली है। तो इंश्योरेंस हमने क्या लिया, इंश्योरेंस का जो खर्चा हो गया वो 5,000 रुपये आपका आता है सालाना, तो ईयरली ये अमाउंट है, तो ईयरली 5,000 का आपका खर्चा आता है, तो हम ये इंश्योरेंस आपको ले लेनी है। इंश्योरेंस का पेमेंट है वो हमने बैंक से पेमेंट किया है, तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन में आना, हालांकि हमारा पेमेंट अभी नेगेटिव सो होगा क्योंकि हम बीच में से वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम मिडिल क्षण से वर्क कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग से बिजनेस को नहीं लिया, स्टार्टिंग से लेंगे तब मजा आएगा जब हम प्रैक्टिस सेट से गुजरेंगे, तो प्रैक्टिस सेट में हम इसको स्टार्टिंग से लेंगे और किस प्रकार से लॉस होगा वो सब चीजें हम विस्तार से जानेंगे, तब तब मजा आएगा। अभी तो मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि भाई किसी भाई ने कमेंट किया कि सर इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं उसकी एंट्री दे, इसलिए हमने बीच में ये वीडियो डाला है। ठीक है, विस्तार से वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट में ही आपको मिलेगा, तो आप जरूर अपने प्रैक्टिस सेट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप प्रैक्टिस सेट से एकदम बेसिक से हाई लेवल तक की चीजें सीख सकते हैं, यानी कि एडवांस लेवल की चीज आप वहीं पे ही सीख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलेंगे, तो आपको इंश्योरेंस की एंट्री करनी है, तो इंश्योरेंस लेते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पेमेंट ऑप्शन में कर लेंगे इंश्योरेंस, प्रीमियम मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और इंश्योरेंस प्रीमियम जब हम लेते हैं वो करंट असेट्स में रखते हैं और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, जैसे कि मैंने इंश्योरेंस जो ली है वो 5,000 रुपये के लिए। ठीक है, और इसका पेमेंट है वो मैंने बैंक से पेमेंट कर दिया, जो भी SBI जो भी आपकी बैंक होती है उससे आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, मैंने इसे नॉर्मली बैंक लिया है और इसको एक्सेप्ट करवा दूंगा। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इस पर आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि हमने उचित ही वर्क स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर इसको कंट्रोल से हम कर लेंगे। ठीक है, आपका ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर सेलिंग करती है कंपनी, तो हमें इस सेलिंग से कोई भी जो है मतलब नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है, जनरली हमें ओनली इंश्योरेंस क्लेम के बारे में जानना है, तो सेल्स किसको किया कितना किया वो हमें नहीं पता। ठीक है, कितने रुपए में किया वो भी हमें नहीं जानना। ठीक है, हमें क्या करना है, ओनली मेन मेन टॉपिक उसको जानना है। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी, सेल आपने जितना भी किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितने भी अमाउंट भी किया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री है लोकेशन ए गुड्स, यानी कि आपकी लोकेशन ए नाम की कोई लोकेशन है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, आपकी जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर के द्वारा, गुड्स वैल्यू ऑफ आर एस 18,000, और वहां पे जो डिस्ट्रॉय हुआ है जो आग से जल के नष्ट हुआ है वो कितना 18,000 रुपये की वैल्यू रखता है। ठीक है, एंड कंपनी क्लेम इंश्योरेंस ऑन इंश्योर्ड गुड, यानी कि आपका जो इंश्योर्ड यानी कि आपने जिन गुड्स पे इंश्योरेंस लिए है उस पर क्या लिए, इंश्योरेंस क्लेम किया है, इंश्योरेंस कितने का पास हुआ, 15,000 रुपये का। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा गुड्स वैल्यू थी 18,000 रुपये की, लेकिन इंश्योरेंस पास हुई थी 15,000, इंश्योरेंस पास हुई है 15,000 रुपये की। अब ये फर्क कैसे नजर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये फर्क इसलिए नजर आ रहा है, देखो जब भी हम 100% यानी कि हम मान लो कि कितना परसेंट इंश्योरेंस लेते हैं वो मेन चीज होती है, हमने 100% इंश्योरेंस लिए यानी कि जितना अपना लॉस होगा उतना ही हमें इंश्योरेंस मिलेगा, अगर हम 60% लेंगे तो यानी कि हमारा जितना माल था उसका 60% ही हमें क्या रिकवर हो पाएगा, जैसे कि हमारे पास 100 रुपये है, अगर हमारा 100 रुपये जल के नष्ट हो जाता है, अगर हमने 60% माल की ही इंश्योरेंस ले रखी है, 60% तक माल तक की इंश्योरेंस ले मान ली, तो हमारा हमें जब क्लेम करेंगे तो 60% ही कर पाएंगे, 40% का हमें लॉस सेल्फ को वहन करना होगा। इस प्रकार से हम कितना इंश्योरेंस ले रखे हैं, तो यहाँ पर टोटल इंश्योरेंस है तो टोटल इंश्योरेंस हम ले लेंगे, फिर भी क्या करे कंपनी हमें 15,000 तक का ही क्लेम पास करके दे रही है, बाकी के 3,000 का क्लेम है वो पास नहीं करके दे रही, ये कैसे संभव होता है, देखो इसमें आपको गौर करना है कि जब भी हमारा
कोई नुकसान होता है, फिर माल इंश्योरेंस मतलब कि जल के नष्ट हो जाता है उस पर इंश्योरेंस नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू क्या किया जाता है वहां पे, क्या कहते हैं, जांच पड़ताल की जाती है कि भाई कितना क्या हुआ है, पूरी घटना का विवरण लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं अपना ये पेमेंट है वो पास करते हैं। तो इन्होंने सब चीजें जान के पहचान के सब चीजें चेक करके हमने 15,000 रुपये का क्लेम देती है क्या, इसमें ये कंपनी देखते कि भाई इसमें कोई प्रॉफिट, यानी कि हमने कंपनी ने खुद तो नहीं किया, ये कंपनी की कोई जालसाजी तो नहीं, तो वो पूरी चीज का मतलब कि घटना स्थान पर वो पूरी चीजों का विवरण ब्यौरा लेती है, साथ में डाटा कंपनी से डाटा भी लेती है, यानी कि वहां पे जहाँ पे जल के जो माल राख हुआ उसके भी मतलब कि जांच पड़ताल करती है, साथ में कंपनी से डाटा भी लेती है कि भाई इनका क्या प्रोसेस है, आपका डाटा है, जैसे कि हमें ट्रायल बैलेंस अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो शो करना होता है, वो चीज़ें यहाँ पर देनी होती है, ठीक है, तो वो आपकी बैलेंस शीट है वो शो करनी होती है, लास्ट जो क्लोजिंग ईयर की है वो चीज़ें काफ़ी होती हैं, तो यहाँ पर आपको वो होना है। तो यहाँ पर देखो 18,000 रुपये का आपका ये हो गया है, 18,000 रुपये का गुड्स लॉस हो गया लेकिन इंश्योरेंस 15,000 रुपये का पास हुआ है, तो यहाँ पर हमें 3,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो चुका है। हमें कितना का लॉस हुआ है, क्योंकि हमारे पास 18,000 रुपये का माल था गोडाउन में, उसमें से 18,000 रुपये का जल गया लेकिन हमें 15,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 15,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 15,000 का हमें लॉस नहीं हुआ, उसका तो हमारे पास पेमेंट आ जाएगा, हमें लॉस हुआ तो 3,000 रुपये का हुआ है। तो यहाँ पर दिखा देंगे जितने का लॉस हुआ उतने का हम दिखा देंगे लॉस बाई फायर अकाउंट DR 3,000। इंश्योरेंस क्लेम कितना हुआ है, तो हमने इंश्योरेंस किया तो इंश्योरेंस क्लेम्ड अकाउंट DR ये भी DR होगा, ठीक है, 15,000 रुपये का, कि हमारा इंश्योरेंस भी क्लेम्ड कितने का हुआ है, 15,000 रुपये का हुआ है। टू परचेज, यहाँ पर क्या लेंगे, परचेज जो खरीदा हुआ माल है जो हमारे पास गोदाम में पड़ा हुआ है वही आपका जल के नाश नष्ट हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर उसी को लेंगे जो हमसे गया है, तो हमारा माल जल के नष्ट हुआ है, तो जो कौन सा माल गया, जब हमने खरीदा हुआ माल है वो जल के नष्ट हुआ है, तो जब भी हमारा माल जल के नष्ट होता है तो उसकी जगह हम परचेज का इस्तेमाल करते हैं, कि हम ये मानते हैं कि परचेज उसे माल की जगह काम में लेते हैं, तो यहाँ पर परचेज के थ्रू, यानी कि परचेज यानी कि हमारे ये माल क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, तो कंपनी ने क्या कर दिया, ये इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री है वो पास कर दिए, तो ये आपको टेली में पास करनी है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से पास करनी है वो गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको जनरल वाउचर में आ जाना है, ठीक है, तो जनरल वाउचर में आपको आ जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री पास करनी है, तो पहला आपका हेड आता है लॉस बाय फायर, ठीक है, तो यहाँ पर हम एलटीसी से बना देंगे लॉस बाय फायर, अंडर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे या फिर लॉस में ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको लिया है और 3,000 यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर से DR ले लेंगे, ठीक है, फिर हमने क्या लिया, इंश्योरेंस क्लेम्ड, इंश्योरेंस क्लेम्ड या इसका मतलब क्या होगा, इंश्योरेंस हमने किया तो इंश्योरेंस क्लेम्ड हुआ है, ठीक है, तो हमने इंश्योरेंस क्लेम किया तो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर कंपनी आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगा, या फिर आप इंश्योरेंस रिसेबल के नाम से भी यहाँ पर हेड बना सकते हो, तो यहाँ पर हम यह आपका आ जाएगा सेंड्री डेटर्स, सेंड्री डेटर्स इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ से हमें पेमेंट प्राप्त होगा, इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त होगा, तो वो अपनी क्या होगी, देनदार होगी, क्या होगी, देनदार होगी, इसलिए हमने इसको सेंड्री डेटर्स के रूप दिया है, ठीक है, इसलिए हमने इसको सेंड्री डेटर्स का रूप दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि हमने इनसे पेमेंट लेना है, अभी नहीं मेरा तो आगे फ्यूचर में, इन फ्यूचर ये पेमेंट हमें रिसीव होने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से, जो हमने क्लेम डाला उसका पेमेंट हमें रिसीव होने वाला है, इसलिए हमने इसको सेंड्री डेटर्स में लिया है, ठीक है, कितने का होगा, 15,000, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परचेज आ जाएगा, परचेज हमने 25 का किया है, तो यहाँ पर 25 का किया था उसमें से 15,000 घट के 7,000 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, सॉरी मतलब कि 18,000 घट के 7,000 बच जाएगा, 18 7 25 होता है, तो यहाँ पर 7,000 क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा, वो मान लो कि हमारा सेल होगा वो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी ये क्लियर हो गया, ये आपका हिसाब हो गया, ठीक है, अब आपकी ये एंट्री है वो पास हो चुकी है, फिर नेक्स्ट एंट्री आती है कंपनी रिसीव क्लेम अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन बैंक अकाउंट, यानी कि आपने क्या किया, बैंक अकाउंट में इंश्योरेंस जो क्लेम किया है उसका अमाउंट रिसीव होता है, जिस तिथि को आपको रिसीव होता है उसको
आप रिसीव ट्राउजर में पास कर देना। तो यहाँ पर आपको रिसीव ट्राउजर में आ जाना है, यहाँ पर आपको पेमेंट रिसीव कर लेना, इंश्योरेंस क्लेम या फिर जो भी आपकी कंपनी है उसमें कितना 15,000 रुपये का, और यहाँ से आपको बैंक में इसको प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना। अब नेक्स्ट जो आपका टॉप मतलब कि नेक्स्ट आपकी जो पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि मान लो अगर अपना ये जो पेमेंट है वो पूरा पास हो जाता है, कि 18,000 कंप्लीटली पास हो जाता, तो यहाँ पर ये वाली जो हेड है वो नहीं आता, ओनली इंश्योरेंस क्लेम्ड ये 18,000 से आ जाता, दोनों जगह 18,000 आ जाता अगर 100% आपका इंश्योरेंस क्लेम है वो पास हो जाता। अगर परसेंटेज में यानी कि 60% पास होता तो 60% की वैल्यू यहाँ पर आ जाती, बाकी 30% की वैल्यू यहाँ पर आ जाती और 100% की वैल्यू यहाँ पर आ जाती। ठीक है, अगर परसेंटेज में अगर अमाउंट में एक ही बार इतने अमाउंट का आपका जो पास हुआ तो वो भी यहाँ पर आ जाता, 15,000 का पास हुआ, 3,000 का लॉस हो गया। इस प्रकार से आप इसको सो आउट कर सकते हैं, इसमें आपको इस प्रकार से कर लेना है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके से बता दी इंश्योरेंस क्लेम, अगर फुल्ली आपका जो क्लेम्ड होगा तो कैसे होगा, और इन परसेंटेज परसेंटेज है या फिर अमाउंट में होगा तो किस प्रकार होगा, दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। इस प्रकार से हम इंश्योरेंस को आसानी से क्लेम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।